देहरादून के प्रेस क्लब में महंत रामानंद पुरी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के आरोपों का खंडन किया। महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया था कि दीपक और उसके परिवार ने उन्हें बंधक बनाया। साथ ही रामानंद पुरी ने आरोप लगाया कि खुद महंत नरेंद्र गिरी, रविंद्र पुरी, आशीष गिरी और अन्य लोग उन्हें बंधक बनाना चाहते थे। साथ ही उन्हें मारने की साजिश भी की गई थी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की नज़र उनकी संपत्ति पर थी। साथ ही महंत रामानंद पुरी ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके साथ ही महंत रामानंद पुरी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये चाहते हैं कि अखाड़े में आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। पहले मैं अखाड़े में था तो मुझे एक तरह से बंधक बना के रखा गया इलाहाबाद में। वो तो एक बवाना दिल्ली से सुरेंद्र MLA हैं, उनको इस बात की सूचना मिली कि गुरुजी इस तरह से वहाँ पर बंधक है और उनको आने दिया, तो वो बेचारे वहाँ पर खुद इलाहाबाद आए, उन्हीं पे जो है आरोप लगा दिया उन्होंने कि जो उसको वो जो है ले गए हैं, बंधक बना लिया है और कैद कर लिया है, किसी से मिलने जुलने नहीं देते। बाकी ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी मदद की तब मैं यहाँ आपके सामने। संवाद 365 के लिए देहरादून से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।